सीढ़ियों पे ना रुक रुक के चल रही हूँ, एक पैर पे जोर डाल रही हूँ, तो सब मेरे से कह रहे हैं कि परमानेंट ऐसी हो गई क्या। आज बनाएगी मम्मी बाजरे की खिचड़ी आज, और मैं नीचे रितु से वो लेके आ रही हूँ अभी कुंडी जो होती है ना ओखल मूसली, तो उसमें कूट के रखेंगे, शाम को बनाएंगे। ये रितु के यहाँ से लेके आई हूँ, अरे मम्मी कूटेगी। मम्मी कह रही कुर्सी बैठ के कैसे कर लेंगे। ये 2.5 किलो का हाथ है। आज क्या बनाएंगे? बाजरे की खिचड़ी। खिचड़ी उसमें मैंने चने की दाल चढ़ाई है। हाँ। और एक मुट्ठी चावल है, एक मुट्ठी मूंग की दाल। मूंग की दाल भी डाली है? जरा सी डाली है। अच्छा। और ये बाजरा? ये बाजरा मैंने उसमें रख दिया पानी में घोल कर, क्योंकि गाँठे नहीं पड़ेंगे इसमें, जब ये उबल जाएंगे तो ये बाजरा इसमें डाल देंगे। तो ये बाजरा हमारी मम्मी जी जब वो बनाई करती, बाकी मैं सब कड़ी मिक्स वेज, ये मतलब ये काम सारा काम एक तरफ, ये काम एक तरफ था, मैंने सीखा ही नहीं, जानबूझ के नहीं सीखती। यहाँ पे ना बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ऊपर छत पे जाके चाय पीऊंगी आज। मौसम देखिए क्या मजा आएगा ना ऊपर चाय पीने में। वाह, सूरज की ना लाल लाल जो किरणें आती है ना बादलों के अंदर, और पूरा ब्लू आसमान चार चांद लगा देता है। दिया क्या खेल रहे? दिया खेल भी लिया कर कभी कभी। मैं अपना कैमरा लेके आई हूँ। स्टेफनी भी आजकल रेनू के साथ रह रही है, जर्मनी से है ये, और इनके हस्बैंड जो है वो मार्कस, वो हमारा चैनल देखते हैं। हाँ। वो रेनू को देखते हैं ज्यादा। और स्टेफनी को बताते हैं कि मैंने रेनू को देखा है, आई सॉ रेनू। और स्टेफनी कहती है तुम तो काम कर रहे थे। देखो जर्मनी में भी देखा जा रहा है हमारा चैनल ना। एंड ही डजंट नो हिंदी। नो बट ही इज वॉचिंग। या बट ही इज स्टिल वॉचिंग द चैनल। या या सो नाउ वी आर सेंडिंग द ग्रीटिंग्स ऑल द 3 लेडीज। मार्कस बी हैप्पी, वी आर सेंडिंग यू द ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडिया टू बर्लिन टू जर्मनी। यस टू बर्लिन टू जर्मनी। So, okay. Hi Marcus. Hi Marcus. We are missing. Hello. You. तुम कितनी बेकार हो, तुमने कहाँ खो दिया शिवोहम का वीडियो, तो उसके बर्थडे का? अभी तक नहीं मिल रहा है उसका वीडियो, और बर्थडे पार्टी में हम सब इनवाइट थे। जिस दिन मैंने वो वीडियो डाला था ना, मेरे से मिलने कुछ नहीं आए, उससे 2 दिन पहले ही पार्टी थी। और वो वीडियो गुम हो चुका है। ये ऐसे ही है, ये क्या गुम कर देगी, पता चला मुझे भी गुम कर देगी। चाय तो मुझे नीचे ही मिल गई, मैं बोलती आ रही थी ना कैमरे पे कि मैं दिया में ऊपर जाके पीऊँगी। नज़ारा है, यही तो देख के मैं ऊपर आई थी कि ऊपर बैठ के चाय पीने का मज़ा आएगा। और मैं बता रही हूँ स्टेफनी के हस्बैंड भी देखते हैं जर्मनी में, ना समझ आने के बाद भी। मैंने कहा उनको वीडियो सेंड कर देना कि भाई वाइफ भी आई है, तो कह रही वो देखते हैं, वो हमेशा सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, हर बार देखते हैं। और ये आप नज़ारा देखिए, ये देखिए बादल कितने नीचे हो यहाँ से, तो नजा वाह ये देखिए वाह। ये देखिए शानदार नज़ारा, वाह। इसी शानदार नज़ारे के साथ मैं गुड इवनिंग कर लेती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मेरे साथ सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे होंगे। पीछे मृत्युंजय के जाप की आवाज़ आ रही है, महामृत्युंजय के जाप चल रहे हैं, आरती स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो इनकी लड़ाई हो रही है, ऐसे ही लड़ते रहते हैं पूरे दिन बैठ के, पूरे दिन। ये देखो ये वो खेल रहे हैं ऊंच नीच का पापड़ा। ऊंच नीच का पापड़ा खेलते थे ना ये, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो वही बोलते थे भाई ऊंच नीच का पापड़ा। मैं ऊपर से आई हूँ ना, इतने मम्मी ने डाल दिया इसको, क्योंकि हल्के से गल जाते हैं ना जब दाल चावल, तो इसके अंदर फिर ये डाल देते हैं और मंदे मंदे गैस पे पकाते हैं। क्या खुशबू आई है मैं बता नहीं सकती, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। आज बैठ के वो वाली रेनू के बेटे वाली ना ढूंढनी पड़ेगी कि वो कहाँ गई। नहीं तो मेरी जान मार लेगी वो। कई बार गड़बड़ हो जाती है, शर्मा जी से भी घूम गई थी, पूरी बनी बनाई फिर बहुत दुख होता है। दिया की पिज़्ज़ा पार्टी, डोसा, वैक्सीनेशन दिया सब
दोनों की लड़ाई हो रही है, पापा कह रहे दही बल्ले बाहर खा के आऊंगा, ऐसा लग रही है। मैंने बोला मैंने कहा मैं घर में बना दूंगी, तो मम्मी कह रही है कि क्या कहते हैं कि घर में बना देगी, तो कह रहे ना ऊपर जब मर जाऊंगा मेरे ऊपर चढ़ा दिए दही बल्ले खा के हंस रहे दोनों बैठे, पूरे दिन लड़ते रहते हैं। कह रहे तो कुछ मत बनाइयो टिक्की बना दियो। हाँ तो टिक्की बना दूंगी, बर्गर बना दूं, बर्गर टिक्की, बर्गर वाला टिक्की, आलू की टिक्की, पता है उसका मिल गया। अब मैं अभी ये ढूंढ रही थी, ड्राइव में डाल भी रही थी, मैंने पता है शिवोहम बर्थडे ढूंढ रही थी तो मैंने नोट कर रखा था विश्व सुंदरी पार्टी। और ये मिल चुकी है मेरे को, खिचड़ी बन गई है बढ़िया, खिचड़ी का मजा घी के साथ मम्मी ने तो निमटा दिए। हाथ से खाओगी और क्या, ये भगवान ने ये हाथ बना रखे चम्मच, सब पहले हाथ से ही खाते थे ना, फिर ये हीरोइन हो गई है पूरी। बहुत स्वाद बनी है, इनकी फेवरेट थी, बनवाए करते मम्मी से। अभी तो जैसे घी के साथ हाँ ऐसे रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के ठीक है, वो थंबनेल बना रही है। ना ना क्या करते हैं अभी, जैसे एक बार तो घी से खाते हैं, फिर गोजी से, गोजी मतलब दूसरे दिन खाते थे बासी गोजी, गोजी जैसे छाए होती ना उसमें कच्चे दूध की धार मारते थे भैंस की, उसको होती थी गोजी, वो गोजी बोलते थे तभी। मैं अभी न्यूज आ रही है, वर्ल्ड का नंबर वन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वो ऑस्ट्रेलिया आया, और फ्लाइट में बिना आरटीपीसीआर उस रिपोर्ट सब कुछ मतलब कुछ नहीं था, और उसके बाद वैक्सीनेशन भी नहीं था, और उसको फिर जैसे लोगों ने शोर मचाया ना तब जाके कि हमारे साथ तो आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और उसके साथ ऐसा, तब उसको सेंटर में डाला गया। फिर उसने वहाँ से केस लड़ा कि मेरे मतलब दिसंबर में मुझे कोरोना हुआ था तो मैं कोरोना प्रूफ हूँ। ऑनलाइन क्लास के ड्रामे हो गई, अटेंडेंस हो गई, आज के लिए छोड़ दिया, बैठ के ले ले पढ़ ले, अभी तो मजे हो रहे हैं, बंद कर रहे हैं उसको, पूरे मजे हो रहे हैं तेरे, कितने सीरियसली पढ़ाई कर रही है मुझे पता, कैमरे के सामने ऐसे दिखा रही है तो बहुत सीरियस है, ये कोई सीरियस नहीं है, मस्ती कर रही थी अभी। छोड़ा नहीं सर ने, ड्रेस पहननी पड़ गई इसको। बच्चा कर रहा है ब्रेकफास्ट और मुझे जाना है बाबा जी के पास, क्योंकि बाबा जी के यहाँ पे ना वानप्रस्थ में एक डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, कह रहे बहुत अच्छे हैं पर पैर दिखा लो, वैसे तो काफ़ी कुछ ठीक हो चुका है पर जाके एक बार दिखा लेती हूँ, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी क्योंकि चल भी लूँगी, असली मोटिव तो वही है। ये माया जी और विकास भैया मेरे को एक्चुअली बाबा जी के यहाँ पे मिले थे, उस टाइम मैं शूट कैमरा नहीं लेके गई थी, तो ये अभी तक यही इनको यहाँ पसंद आ गया है, बहुत पसंद आया, चार दिनों के लिए आए थे, अब तो 16-17 दिन हो गए। अच्छा चार दिन के लिए आए थे, और बढ़ाना है अभी। अच्छा ये देख लो ऐसा है ऋषिकेश, तो मैं तो वानप्रस्थ जा रही थी, मैंने बोला कि वैद्य जी को दिखाना है, बहुत अच्छे वैद्य जी है वहाँ पे, बहुत अच्छा, दो दिन में रिकवर हो गए। लो भाई ये एक प्रूफ मिल गया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि आज मैं पैदल चल के आपको जानकी सेतु दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल खाली है, मतलब स्कूटर वकूटर भी बहुत कम है, पैदल में तो भीड़ काफ़ी कम हुई है, लोग रुक गए हैं। बाबा जी देखिए है यहीं, लेकिन ना डर लगता है कि बुज़ुर्ग हैं तो हम वैसे तो किसी से नहीं मिल रहे इतने, बट फिर भी डर लगता है कि बुज़ुर्ग हैं, सेफ्टी से है वो, ये भी अपने अब ना वानप्रस्थ वालों ने बहुत सख्ताई कर दी है, ये तो डबल वैक्सीनेशन के बाद आरटीपीसीआर भी देख रहे हैं, रिपोर्ट भी देख रहे हैं। ओ देखिए भूतनाथ मंदिर कैसे इस टाइम पेड़ों से के बीच में ढका हुआ है ना, रात को लाइट नज़र आती है, कितने कबूतर आराम फरमा रहे हैं। पहले मिल के आती हूँ और आपको भी वैद्य जी से मिलाती हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं वानप्रस्थ में, रूम नंबर पूछ रहे हैं पहले, फिर मैंने बाबा जी का रूम नंबर बताया फिर जाने दिया, बिना बात में कोई एंट्री नहीं है, ठीक है प्रिकॉशन ले रहे हैं। ये बाबा जी का रूम है, मेरे ख्याल से सब ना इनके जो आए हुए थे रिश्तेदार सब पहले ही चले गए थे, अब मैं अभी बाहर ही देखती हूँ बुला के, बाबा जी नहाने गए हुए थे
और मैं बाहर बैठी वेट कर रही, बाबा जी कह रहे पार्ट टू में है, वन प्लस के पार्ट टू में है, और 44 हो गए हैं, 11 बजे एग्जैक्ट उठ जाते हैं वो। पिछली बार जो आए थे ना लोग, जैसे लॉकडाउन में फंसे थे, वो जानबूझ के रह गए थे आश्रमों में, क्योंकि आश्रमों में आपको पता पूरी सप्ताह स्ट्रिक्टनेस होती है, और उसके बाद फिर वो कि शहरों में जाके वापस क्या करेंगे, यहाँ भी खर्चा करना, तो वो यहीं रह गए थे जो अफोर्ड कर सकते हैं। उनमें ये तो है कि सुविधा कि आप बाहर घूम सकते हो, अपने अपने अपार्टमेंट अपने आश्रम में घूम सकते हो आप आराम से। सब वैद्य जी बोल रहे थे तो मैंने कहा सोचा कोई बहुत बुजुर्ग होंगे, और पर ये डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, और सब मैं दिखा देती हूँ, अभी देखते हैं क्या बताएंगे। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवाई दी और कह रहे कि अब ज़्यादा एक्यूट नहीं लग रहा है, एक्चुअली ना 1 महीने बाद गई हूँ तो कह रहे 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और चैरिटी है ये, फ्री है इनका, अगर किसी को जैसे प्रॉब्लम हो जाए तो आप वानप्रस्थ नंबर 2 में इन डॉक्टर जी को दिखा सकते हैं, सुबह 9 से 11 बजे बैठते हैं। ये भी देखो एक्सरसाइज करके ठीक हो रहे अपने राउंड पे जा रहे हैं, लंबे लंबे राउंड पे, और वहाँ से आते हैं वो आके बैठे। ये देखो ये राफ्टिंग आगे जा रही है, अरे इसको बोला है बेटा, ये सोच रहा है मेरे को बोला है हाँ ले तुझे भी दिखा देती हूँ, ले ये फूल के लिए आया बेटा, मैं तो यहीं रहती हूँ गंगा स्थल में। देखिए डॉक्टर साहब से भी मिल के आए, और खिचड़ी भी बड़ी स्वाद थी, और डॉक्टर ने भी कह दिया है धीरे धीरे स्टार्ट कर दो, 3 दिन में काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। वैसे तो मेरे को आराम मैंने बोला था कि हो गया है, पर चलिए और पॉजिटिव लेते हैं, आराम तो हो ही जाएगा। और उन्होंने कहा है कि एकदम से स्ट्रेन मत देना इस पर, मैंने कहा मुझे पता है, मैंने कहा इसीलिए मैं ना थोड़ा सीढ़ियों पे ना रुक रुक के चल रही हूँ, एक पैर पे जोर डाल रही हूँ, तो सब मेरे से कह रहे हैं कि परमानेंट ऐसी हो गई क्या भाई परमानेंट नहीं है, जल्दी कम बैक करूँगी, आज इतनी दूर चल के आई हूँ और बहुत बढ़िया लग रहा है। अब पैर मुड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पहले पैर मोड़ नहीं सकते थे, अब हल्का हल्का अपने आप जैसे ना बॉडी आपको बताती है ना, शरीर बताती है कि अपने आप, मतलब अब आपको अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बहुत से लोग जुड़े हैं ना, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि कैसे करें, आप तो ग्रो कर गई हो, समय पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी मतलब जल्दी जैसे अब अपने आप समय पे छोड़ दीजिए। अगर आप थोड़ा जल्दबाजी करेंगे ना तो फिर वो नहीं हो पाएगा कि भाई मैं भी जैसे ये कर रही हैं काम ऐसे मैं भी करूं, या ये थोड़ा जल्दी निकल आई तो मैं भी करूं, नहीं, अपने आप को समय पे छोड़ दीजिए, अपने आप समय ठीक करेगा और शर्मा जी की स्टोरी भी, और सबसे बड़ी बात वो मेरी जान खा जाएगी, क्या कहते हैं उसका वीडियो मैंने ढूंढ लिया है, अब उसको भी जल्दी डालना पड़ेगा, वो कि पहले ही कह रही थी कब बर्थडे था, और तूने उस दिन ही मतलब मेरा वीडियो घुमा दिया है, अब उस वीडियो को मैं डाल दूंगी जल्दी की जल्दी, तो देख लेना उसको भी भाई। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, कितनी अच्छी धूप निकलती है ना यहाँ पे, और रात को बारिश होती है, सुबह दिन में बहुत बढ़िया धूप निकल रही है। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं और इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल नीचे, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और ये देखो ये यहीं पे बैठा है भूतनाथ ले लिया तेरे को चैनल पे, ठीक है अब चैनल सब्सक्राइब करवा दियो, कहाँ पे रहता है, मेरे भैया का भी सब्सक्राइब करवा देना चैनल, चल अपना चैनल प्रमोट कर रहा है किस चीज़ का चैनल है, रियल फैक्ट है, गेमर बहुत आ रहे हैं आजकल बच्चे इतने गेमर आ रहे हैं ना, और देखो ऑनलाइन डायरेक्ट कह रहा मेरे भाई का भी चैनल वो करवा देना पढ़ाई कर लो बेटा, पहले पढ़ लो, पढ़ाई जरूरी है पहले, ठीक है।